राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से नहीं मिली राहत। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में सूरत की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल राहुल गांधी ने दो याचिकाएं दाखिल की थी, उसमें जो पहली थी वो थी सजा पर रोक और दूसरी थी अपील के निस्तारण तक कन्विक्शन पर रोक। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत की जो निचली अदालत है उसने 23 मार्च 2023 को मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल 2019 में लोकसभा का चुनाव था और उस चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक वक्तव्य दिया था, एक बयान दिया था और उसी बयान के बाद जो भाजपा विधायक है पूर्णेश मोदी, वो इसे कोर्ट में लेकर गए और मानहानि का ये मामला बना, तमाम सुनवाई हुई और उसके बाद 23 मार्च को फैसला आया निचली अदालत का सूरत के, और उसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। 2 साल की सजा के बाद क्या होता है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत अगर किसी सदस्य को, जो सदन के किसी भी सदस्य को अगर 2 साल की सजा होती है तो उसकी जो सदस्यता होती है वो चली जाती है, तो राहुल गांधी की भी सदस्यता लोकसभा की वो चली गई। इन सब के बाद फिर से जो है राहुल गांधी कोर्ट का रुख करते हैं और सूरत के सेशन कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं जिसके बारे में अभी हमने बात की। उसके बाद 13 अप्रैल को उसकी सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद जो है फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है और इसके बाद कहा जाता है कि 20 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। 20 अप्रैल गुरुवार को फैसला सुना दिया गया है। जज आए और उन्होंने कहा डिसमिस, इसका मतलब है कि वो याचिका जो राहुल गांधी ने लगाई थी वो खारिज हो गई। अब अगर हम इसे राजनीतिक रूप से देखने की कोशिश करें कि अब इसका क्या असर पड़ सकता है, तो देखिए जो पहली बात है वो ये है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब अभी बहाल नहीं हो सकती है। अगर उनके पक्ष में फैसला आता और उन्हें अगर बरी कर दिया जाता इस मामले से, तो आप कह सकते हैं कि उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती थी, कि क्योंकि अभी ऐसे ही एक मामले में जो कि लक्षद्वीप के एक सांसद थे उन्हें सजा सुनाई गई थी निचली अदालत से और उनकी संसद सदस्यता चली गई। उसके बाद वो केरल हाई कोर्ट का रुख करते हैं और वहां पर फैसला जो है उनके पक्ष में आता है और जैसे ही फैसला उनके पक्ष में आता है उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी जाती है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी को ये उम्मीद थी कि अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो उनकी संसद सदस्यता जो है वो फिर से बहाल हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सका है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जैसा कहा कि वो जो भी कानून के तहत जो भी ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे, उसको वो जरूर उसका जो है इस्तेमाल करना चाहेगी। तो अब जो सीन दिख रहा है उसमें लगता है कि कांग्रेस जो है वो हाई कोर्ट का रुख, जो राहुल गांधी जो है वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो है अगर हम बात करें। तो अगर हम इसे राजनीतिक रूप से देखें कि अगर ये फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता तो एक बात और हो सकती थी कि जो पॉलिटिकल जो परसेप्शन का खेल है उसमें उन्हें फायदा हो सकता था, जो फिलहाल अब नहीं होगा। अगर वैसा होता तो वो कह सकते थे कि जो बातें उन्होंने कही थी वो सही है या जो भी बातें हैं, लेकिन अब जो है वो मौका फिलवक्त अभी तो उन्हें तत्काल नहीं मिलने वाला है। हाईकोर्ट का उन्हें रुख करना होगा और इस दौरान ये भी देखना होगा कि वायनाड की सीट जो अभी खाली है, क्या जो चुनाव आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, क्या वहां पर वो
चुनाव कराने की घोषणा कब करता है नहीं करता, अगर एक बार घोषणा हो जाती है तब जो है वो मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट का रुख जो है राहुल गांधी अख्तियार करते हैं और अगर वहां से फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी है, निश्चित तौर पर ये जो फैसला आया है जहां पर कि राहुल गांधी की याचिकाएं खारिज की गई हैं, तो ये जो फैसला आया है उसे बीजेपी जो है ओबीसी से जोड़ के देखेगी और वो कह भी रही है कि ओबीसी इससे खुश हैं, तो वो उस एस्पेक्ट से इसे जोड़ने का प्रयास करेगी, तो राजनीतिक बयानबाजियां जो है वो चलती रहेंगी। इन सब पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।